بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اقرأ بسم ربك الذي خلق. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرأ وربك الاکرم. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. السلام علیکم. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is mathematics. In our previous video, we have completed unit number 5. This is week number 4 and video number is 3. In this video, we have started unit number 6, division. Now, what is division? Division means to share something. You can see on the board. Division means to share something. Division ka matlab koi cheez share karna apne. Jaise agar aapke paas example hai, like if we have 50 rupees and we have to share it into 5 people, so we have to apply division. अगर हमारे पास 50 रुपीस हैं और हमें शेयर करना है उसे 5 पीपल्स में, 5 लोगों में हमें उसे शेयर करना है, सो हमें क्या अप्लाई करना होगा? वी हैव टू अप्लाई डिवीजन. यू विल डू लाइक दिस, 50 डिवाइडेड बाय 5. यू हैव 50 रुपीस एंड यू हैव टू शेयर इट इनटू 5 पीपल. 5 लोगों में आपने शेयर करने हैं 50 रुपीस. सो हाउ कैन वी सॉल्व? यू हैव टू रीड द टेबल. आपको सबसे पहले टेबल पढ़ना होगा 5 का. इतना टेबल पढ़ेंगे आप किस तरह से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट देखते हैं, ठीक है, 5. तो डिवीजन किस तरह से करते हैं आप? 5 1 5, ठीक है. 5 आ सकता है टेबल में, तो आप 5 राइट कर लें. अगर आपके पास 5 से कोई बड़ा नंबर होता है, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे आपके पास 6 होता, ठीक है, तो भी आप 6 से छोटा नंबर देखते हैं 5 के टेबल में जो आता है, क्योंकि 6 तो 5 के टेबल में नहीं आता. तो आप क्या करते, फिर 5 1 5 ही लेते आप. ये नहीं कि आप जो है 5 2 10 ले लेते, वो आपके पास क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है. आपने सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देखना है सबसे पहले. अगर आपका फर्स्ट डिजिट इससे छोटा हो, लो फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट डिजिट 4 हो और आपको डिवाइड 5 से करना हो, तो आपको पता है 4 5 के टेबल में नहीं आ सकता, तो फिर आप ये 2 डिजिट कंसीडर करेंगे. यू विल कंसीडर 2 डिजिट्स. ये दोनों डिजिट्स को कंसीडर करके फिर आप सॉल्व करेंगे, लाइक 5 8 40. नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन? हमारा जो यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन राइट है उसका क्या आंसर होगा, अब हमें वो सॉल्व करना है. 5 1 5 हो गया. नाउ इन द लास्ट इज 0, तो 5 0 0. और सिंपली यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, 5 10 50, क्योंकि 50 तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा था, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे. सो ईच पीपल गेट, हर पीपल के पास कितने शेयर होंगे? 5 पीपल्स में शेयर करने थे, ईच पीपल गॉट रुपीज 10. हर एक पीपल को कितने रुपीज मिलेंगे? 10 रुपीज मिलेंगे. आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? 10. तो 50 रुपीज जो थे, अगर आपको 5 पीपल में शेयर करें तो 10 रुपीज ईच पीपल के पास आपके जाएंगे, ठीक है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. द फर्स्ट लेसन इज डिवाइडिंग बाय अ सिंगल डिजिट नंबर. फर्स्ट यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ एवरी यूनिट, एवरी लेसन. जब आप यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 6 लेसन नंबर 1 का आप टाइटल पेज मेक करेंगे, वीक नंबर डेट वगैरह उस पर शो करेंगे जिस तरह से आप करते आए. देन व्हाट इज द लेसन नंबर 1? लेसन नंबर 1 इज डिवाइडिंग बाय अ सिंगल डिजिट नंबर.
Now the lesson number 1 is dividing by a single digit number. Now we are starting question number 1. Our question number 1 is solve each of the following. The first part is 3195 divided by 6. क्या करना है आपको? इसको 6 से डिवाइड करना है इस क्वेश्चन को. सो फर्स्ट सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अपने राइट क्वेश्चन को राइट करेंगे, कॉपी करेंगे पार्ट को जो भी दिया हुआ है. 6 से आपने स्टार्ट करना है, 6 से डिवाइड करना है. सो 3 जो है आपका सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 3 है. 3 डज नॉट कम इन टेबल ऑफ 6. 3 आपका 6 के टेबल में नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेंगे. सही. जब कोई डिजिट किसी नंबर के टेबल में नहीं आता जिससे आप डिवाइड कर रहे होते, डिवाइजर से आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा होता अगर डिवाइड है, तो फिर आप क्या करते हैं? उसकी जगह पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है नेक्स्ट डिजिट कॉपी करने के लिए. जब आप परमिशन लेते हैं उस नंबर से कि हम एक और नंबर कॉपी कर लें, तो उसके जगह आपका ऊपर क्या प्लेस होता है? 0. जब स्टार्ट में 0 होता है तो वो हमें शो करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर ये मिड में ऐसा हो रहा हो आपके पास क्वेश्चन के बीच में, तो फिर आप 0 को शो करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया? 31 दो डिजिट ले लिए. यहाँ पे 6 का टेबल इतना पड़े कि या तो 31 6 के टेबल में आ जाए, या फिर 31 से स्मॉलेस्ट नंबर कोई आपको मिल जाए. तो यू विल रीड द टेबल ऑफ 6. 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 24, 6 फाइव ज़ा 30. 31 से छोटा आपको क्या मिल रहा है? 6 फाइव ज़ा 30. इफ यू विल रीड 6 6 ज़ा 36, तो 36 आपका क्या हो जाएगा? 31 से बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. तो आपको क्या करना है? इसका मतलब 6 5 ज़ा 30 लेना है. अच्छा, अगर आप ऐसा बोलें कि 31 से छोटा आप 6 4 ज़ा 24 ले लें, तो ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा. आपने जब तक टेबल पढ़ना है जब तक 31 से छोटा नंबर नहीं मिले. ठीक है, 6 4 ज़ा 24 भी 31 से छोटा है, 6 3 ज़ा 18 भी छोटा है, लेकिन आपने वहां तक जाना है जब तक आपका 31 से बड़ा नंबर ना आ जाए. 31 से बड़ा नंबर 36 है, तो आप 36 से पहले वाला नंबर पिक करेंगे. 6 5 ज़ा 30. सो आई एम राइटिंग 5 हियर. 6 5 ज़ा 30. नंबर कॉपी करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जिस नंबर के नीचे जो नंबर राइट किया जा रहा है वही नंबर हो. डिवीजन में आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, तो इस तरह से आपका क्रॉस में क्वेश्चन सॉल्व होता है. ये नहीं कि आपका स्ट्रेट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. नाउ देन यू विल सब्ट्रैक्ट. 1 माइनस 0 इज 1. राइट हैंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप अपने. 3 माइनस 3 इज 0. सो यू विल पुट क्रॉस हियर. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 9. 1 जो है वो आपका 6 के टेबल में नहीं आ सकता, लेकिन 1 आपका माइनस होकर आया है, इसलिए आप इस नंबर की जगह पर 0 पुट नहीं करेंगे. अगर आप ऊपर से कोई नंबर कॉपी करते हैं क्वेश्चन में से और वो आपका सॉल्व नहीं हो पाता, फिर आपको नेक्स्ट डिजिट की परमिशन चाहिए कॉपी करने की, तो आपका आंसर में 0 जाता है. यहाँ पर आपका क्या आ गया? यहाँ पे 1. अब आप 6 का टेबल दोबारा रीड करें. 19 से छोटा, 6 3 ज़ा 18 आपको मिलेगा. सो यू विल राइट 18 हियर. नाउ देन सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 8 1. 1 माइनस 1 इज क्रॉस. नाउ 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 6. 1 6 के टेबल में नहीं आता, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे 5. नाउ 15 से छोटा नंबर देखना है आपको 6 के टेबल में. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 2 3. 1 माइनस 1 इज क्रॉस. द रिमाइंडर इज 3. जो आपका नीचे आंसर बच रहा होता है इस तरह जो आगे सॉल्व नहीं हो पाता, जैसे आगे आपके कोई नंबर नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, यहीं आपका सॉल्व हो गया, आगे सॉल्व नहीं हो सकता. जब आप सिंगल डिजिट से डिवाइड करें, अगर आप डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर में ये आगे सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया. आपका रिमाइंडर आ रहा है 3 और आंसर आ रहा है 532. सो योर आंसर इज 532. रिमाइंडर 3 इज योर आंसर. नाउ मूव टुवर्ड्स पार्ट बी. 8461 डिवाइडेड बाय 9. यू विल रीड द टेबल ऑफ 9. 9 9 81 आपको मिलेगा, 84 से जो छोटा है. ठीक है, 84 से स्मॉलेस्ट नंबर आपको 81 मिल रहा है 9 के टेबल में. सो यू विल राइट 9 9 ज़ा 81. नाउ 4 माइनस 1 इज 3. 8 माइनस 8 इज 0. कैंसिल. नाउ 3 अब 9 के टेबल में नहीं आ सकता, नेक्स्ट नंबर आप कॉपी करेंगे ऊपर से 6. नाउ 9 4 ज़ा 36. ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया आपका कंप्लीट. अब इसके बाद आपके पास 1 कॉपी हुआ ऊपर से. ठीक है, यहाँ से हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचा था माइनस करके, हमने 1 ऊपर से कॉपी किया. और 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 9. 1 आपका 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो यू हैव टू टेक द परमिशन टू कॉपी द नेक्स्ट डिजिट, बट हेयर इज नॉट द नेक्स्ट डिजिट. यहाँ पे आपको परमिशन लेनी है नेक्स्ट डिजिट कॉपी करने की. तो परमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ता है? यहाँ पे 0. सबसे पहले तो यहाँ पे 0 अप्लाई हो गया ना. बाकी कोई नंबर है ही नहीं आपके पास जो आप राइट करें, तो इसलिए आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा. योर रिमाइंडर इज
1. In part A, question remainder is 3. Now in part B, remainder is 1. So your answer is 940 remainder. 1 is your answer. Remainder means जो बाकी बच जाता है, ठीक है? Now in question number 1, you have part A, B, G and J. A, B, G and J. You will do by yourself part G and J. And from your content. और आपके कंटेंट में भी ये पार्ट्स मौजूद होंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं जब तक आपको कंटेंट नहीं मिल रहा. नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट पार्ट इज 18,474 डिवाइडेड बाय 7. पहले पार्ट में आपको 7 से डिवाइड करवाना है 18,474 को. फर्स्ट यू विल कॉपी द क्वेश्चन. 4 से डिवाइड करना है, ठीक है? सॉरी 7 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है? सेवन से डिवाइड करना है. सेवन का टेबल आपको इतना पढ़ना है कि आपको सबसे पहले 1 है, 1 तो नहीं आ सकता, 18 लेंगे. 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि आपको 18 से स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए. 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21. डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल्स की मेमोराइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी. एटलीस्ट 15 तक के टेबल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. 7 टू जा 14, 7 थ्री जा अगर हम 21 लेंगे तो वो 18 से बिग हो जाएगा. नाउ माइनस 8 माइनस 4 इज 4, 1 माइनस 1 इज 0. 4 है आपके पास. अब यहाँ पे 7 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट नंबर हम कॉपी करेंगे इसके नीचे यहाँ पर 4. नाउ रीड द टेबल ऑफ 7 अगेन. 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, 7 फाइव जा 35, 7 सिक्स जा 42. 44 से छोटा नंबर आपको जो मिल रहा है वो 7 सिक्स जा 42 मिल रहा है. 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 4 इज कैन क्रॉस. नाउ द कॉपी द नेक्स्ट डिजिट विच इज 7. ओके, नाउ रीड द टेबल ऑफ 7 अगेन. 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, 28 बिग हो जाएगा. सो यू विल राइट 7 थ्री जा 21. नाउ सब्ट्रैक्टेड 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 2 इज क्रॉस. नाउ कॉपी द नेक्स्ट डिजिट विच इज 4. ये रूम मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रही हूँ. चाहे तो आप कॉपी पे बना सकते हैं और चाहे तो ना बनाएं. शो करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका डिजिट 4 इस 4 के नीचे ही यहाँ पे कॉपी होना चाहिए. जिस बॉक्स में आपका यहाँ 4 डिजिट हो उसी बॉक्स में आपका स्ट्रेट बिल्कुल 4 यहाँ कॉपी होना चाहिए. नाउ यू विल रीड द टेबल ऑफ 7 अगेन. 7 नाइन जा 63, 64 से छोटा आपको मिलेगा. 7 नाइन जा 63, 4 माइनस 3 इज 1, 6 माइनस 6 इज क्रॉस. नाउ योर क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड हेयर. यहाँ पे 1 आ रहा है आपका, ठीक है? 1 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो यू विल अप्लाई 0 हेयर. Now remainder is 1. So the answer is 2639 0 remainder 1 is your answer. Now move towards part G. Also divided by 7, 7 ones are 7. अब आपका 10 के नीचे 7 आ रहा है, तो 7 को आप किस तरह से राइट करेंगे? 0 के नीचे आप 7 राइट करेंगे, क्योंकि जो 7 है उसका फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, ठीक है? अगर आप काउंटिंग देखें तो इस तरह से होता है 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6, 0 7. आपका 7 से पहले यहाँ पे क्या होता है? 0. तो आप 0 यहाँ शो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते. इट इज ऑन योर चॉइस, आपकी चॉइस पर है.
लेकिन अगर आपने 7 राइट करना है तो ये नहीं कि आप 7 1 के नीचे राइट कर दें, 7 आपका 0 के नीचे ही राइट होना चाहिए। 7 1 जो 7 नाउ सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 7 इज 3, कॉपी द नेक्स्ट डिजिट 3, 7 4 जा 28, 33 से छोटा आपको 28 मिलेगा। नाउ सब्ट्रैक्टेड 13 माइनस 8 इज 5, 2 माइनस 2 इज क्रॉस, कॉपी द नेक्स्ट डिजिट 55, सो यू विल रीड द टेबल ऑफ 7 अगेन, 7, 7 जा 49, 7 8 जा 56, सो यू विल टेक 7, 7 जा 49, 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 15 माइनस 9 इज 6, 4 माइनस 4 इज क्रॉस। अब यहाँ पर आपका 5 कॉपी हो गया था, अब नेक्स्ट डिजिट क्या कॉपी होगा आपका 1, 7 9 जा 63 होता है, सो यू विल टेक 7 8 जा 56, 11 माइनस 6 इज 5 क्रॉस। नाउ कॉपी द नेक्स्ट डिजिट विच इज 6, 7 8 जा 56, योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हेयर, हेयर इज नो रिमाइंडर, यहाँ पे कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बच रहा, सो योर आंसर इज 14,788। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दिस। इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव व्हाट प्रॉब्लम, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन पेज नंबर 51, आंसर दिस, पार्ट ए इज अ लॉरी ट्रेवल अ टोटल ऑफ 1545 किलोमीटर इन 5 डेज। एक लॉरी जो है वो ट्रेवल कर रही है कितना डिस्टेंस, 1545 किलोमीटर इन 5 डेज, 5 डेज का डिस्टेंस आपको बताया है। द ड्राइवर ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ईच डे, वो जो ड्राइवर है वो हर डे पर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कवर कर रहा है, ठीक है, हर डे यानी उसका डिस्टेंस सेम है। आपको 5 डेज का डिस्टेंस बता दिया कितना है और साथ में ये भी बता रहे हैं कि हर डे वो
डिस्टेंस इक्वल है उसका. हाउ फार डिड ही ड्राइव ईच डे, उसने एक दिन में यानी वन डे कितना ड्राइव किया होगा, ये आपको मालूम करना है. जब आपको ज्यादा अमाउंट दिया और आपको कम की क्वांटिटी मांगी है, जैसे आपको 5 days का दिया हो, 1 day का आपसे पूछ रहे हैं, सो यू हैव टू अप्लाई द डिवीजन. अगर आपको 1 day का दिया हो और 5 days मालूम करना, सो यू विल अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन. टोटल डिस्टेंस है सबसे पहले आपके पास 1545 किलोमीटर, टोटल डेज है आपके 5 days, और ईच डे डिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो यू विल डिवाइड 1545 बाय 5. 5 3 15 सबसे पहले आपका आ जाएगा, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट. नाउ द नेक्स्ट डिजिट इज 4. 4 आपने ऊपर से कॉपी किया है और ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है 5 से, ठीक है. 4 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5, सो यू हैव टू टेक द परमिशन टू टेक द सेकंड डिजिट. सेकंड डिजिट आपको परमिशन लेनी है कि सेकंड डिजिट कॉपी करना है. तो जब आपको सेकंड डिजिट कॉपी करना है, तो उससे पहले आपको यहाँ आंसर में क्या अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे 0 अप्लाई करना पड़ता है. आपके दो डिजिट आपको ऊपर से एक साथ लेने पड़े, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ 0. Now 5 9 45, so your answer is 309. So driver ने कितना distance आपका travel किया each day? He drove 309 kilometer each day. सही है, each day उसने कितना drive किया, 309 kilometer. Now move towards part B.
नाउ पार्ट बी इज क्वेश्चन नंबर 3. पार्ट बी इज ऑन पेज नंबर 51 इन योर बुक. थ्री ब्रदर्स हैव अ मार्केट स्टॉल. तीन भाई हैं जिनका एक मार्केट स्टॉल है. इट मेड रुपीज 8,829 प्रॉफिट इन अ मंथ. उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है एक मंथ में? 8,829 रुपीज का. एंड दे शेयर द प्रॉफिट इक्वली. और वो प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहे हैं आपस में इक्वली, यानी बराबर बराबर आपस में तकसीम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. हाउ मच डिड ईच ब्रदर गेट? ईच ब्रदर कितना गेट करेगा एक भाई को, यानी कितना अमाउंट मिलेगा वन मंथ के प्रॉफिट में से. सो द डेटा इज ब्रदर इज इक्वल टू थ्री. थ्री ब्रदर्स हैं आपके पास. प्रॉफिट इन अ मंथ कितना प्रॉफिट है एक मंथ का? 8,829. यू हैव टू फाइंड आउट इक्वली शेयर अमाउंट, कितना इक्वली शेयर हो रहा है अमाउंट, ये आपको फाइंड आउट करना. सो यू विल डिवाइड 8,829 बाय 3 बिकॉज हेयर इज थ्री ब्रदर. थ्री ब्रदर एंड सॉफ थ्री से डिवाइड करेंगे, तीन लोगों में आप शेयर कर रहे हैं. नाउ 3 टू जा 6, 8 से छोटा 6 आ रहा है 3 के टेबल में. 3 3 जा 9 होता है, तो आप क्या लेंगे? 3 टू जा 6. 8 माइनस 6 इज 2. नाउ कॉपी द नेक्स्ट डिजिट 8. नाउ 3 9 जा 27. 8 माइनस 7 1. 2 माइनस 2 इज क्रॉस. 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3, सो यू विल राइट 2 हेयर. 3 4 जा 12. इट विल बी कंप्लीटेड. नाउ द नेक्स्ट डिजिट इज 9. इट इज कंप्लीटली सॉल्व 12. सो द नेक्स्ट डिजिट इज 9. 3 3 जा 9. देयर इज नो रिमाइंडर. योर आंसर इज 2,943. सो यू विल राइट द आंसर. ईच ब्रदर गेट जिस टेंस में आपसे आंसर पूछा जाएगा उसी टेंस में आप आंसर शो करेंगे. आपसे पूछा हाउ मच डिड ईच ब्रदर गेट, एक भाई को कितना मिला, यानी आपसे पास्ट टेंस में पूछा तो आप पास्ट टेंस में इसका आंसर शो करेंगे. ईच ब्रदर गेट नहीं, आप क्या लिखेंगे? ईच ब्रदर गॉट. ईच ब्रदर गॉट रुपीज 2,943 रुपीज. नाउ इन लेसन नंबर 1 यू हैव क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 थे आपके लेसन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी जी जे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी ए बी जी एंड जे पार्ट आपने करने, एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए एंड बी. योर लेसन नंबर 1 इज कंप्लीटेड हियर. नाउ मूव टुवर्ड्स लेसन नंबर 2 व्हिच इज डिवाइडिंग बाय अ 2 डिजिट नंबर. Now the lesson number 2 is dividing by a 2-digit number.
अब आपको टू डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। इन दिस लेसन यू हैव क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पार्ट ए ओनली, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का आपको पार्ट ए सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए बी एंड क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए बी। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन दे आर सेइंग सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट योर आंसर एज अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में शो करना है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? इन विच यू हैव रिमाइंडर, डिवाइजर एंड होल नंबर। जिसमें आपके पास रिमाइंडर, डिवाइजर और होल नंबर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसे कहते हैं आप मिक्स फ्रैक्शन। किस तरह से सॉल्व करेंगे? 168 डिवाइडेड बाय 14। फोर्टीन आ जाएगा आपका 16 से स्मॉलेस्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट, 6 माइनस 4 इज 2, 1 माइनस 1 इज क्रॉस। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 2। 14 का टेबल आपको इतना पढ़ना है कि आपके पास क्या आ जाए, 28 आ जाए, ठीक है। 14 वन जा 14, 14 टू जा 28। सो यू विल राइट 14 टू जा 28 हेयर। सो द आंसर इज, मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से आपकी बन जाएगी? इन द मिडिल यू विल राइट 12, दिस इज कॉल्ड होल नंबर, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। इन द एंड यू हैव रिमाइंडर, बट हेयर इज नो रिमाइंडर। यहाँ पे आपका जो बचता है वो क्या कहलाता है? आपका रिमाइंडर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, सो यू विल राइट 0 हेयर। रिमाइंडर आपका कहाँ लिखना होता है? आपने न्यूमरेटर की प्लेस पर, न्यूमरेटर में आपका रिमाइंडर आता है। और डिनोमिनेटर में आपका क्या आता है? जो जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइजर, विच इज 14। सो योर आंसर इज 12 होल, 0 रिमाइंडर एंड 14 डिवाइजर। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। 5,328 डिवाइडेड बाय 25, यू विल डिवाइड बाय 25 टू जा 53 से स्मॉलेस्ट आपका क्या आ जाएगा? 50 सब्ट्रैक्टेड। नाउ कॉपी द नेक्स्ट डिजिट 2, अगेन 25 वन जा 25 टू जा आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर के पास क्या है, 32। नाउ सब्ट्रैक्टेड, 12 माइनस 5 इज 7 एंड 2 माइनस 2 इज क्रॉस। नाउ 7 है आपके पास, अब नेक्स्ट डिजिट आप कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट डिजिट क्या है आपका 8। 25 का टेबल पढ़ना आपने इतना कि 78 से स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिले। 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 25 थ्री जा आप चेक करें, 25 थ्री जा आपका क्या होता है, 3 फाइव जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 टू जा 6 एंड 1 7। सो 25 थ्री जा 75 मिल रहा है आपको, 25 थ्री जा 75 आप राइट करेंगे 78 से छोटा, 8 माइनस 5 इज 3, 7 माइनस 7 इज क्रॉस। सो रिमाइंडर इज 3। सो आपके मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे क्या बन जाएगी? योर मिक्स फ्रैक्शन इज 213 होल, 3 रिमाइंडर एंड 25 डिवाइजर, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे? मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। 17,556 डिवाइडेड बाय 83। इट इज अ बिग डिवाइजर, एक बड़ा डिवाइजर है 83। किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे? किस तरह से आप 83 का टेबल पढ़ेंगे? वन तो आपका नहीं हो सकता सॉल्व, ठीक है। सेवन भी सॉल्व नहीं हो सकता, 17 भी लेंगे तो भी आपका छोटा ही रहेगा। सो आपको क्या लेना पड़ेगा? 175 थ्री डिजिट्स लेने पड़ेंगे आपको। इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 0 हो गई। थर्ड डिजिट आपको कॉपी करना पड़ रहा है, थर्ड डिजिट आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ रहा है। 83 वन जा 83, 83 टू जा करके देखिए आप रफ वर्क में आप सॉल्व करेंगे। 83 टू जा 2, 3 जा 6, 2 8 जा 16, 83 टू जा आपका होता है 166। सो यू विल राइट 83 टू जा 166। यू डोंट नीड टू शो 0
इन द स्टार्ट ऑफ द आंसर. आंसर के स्टार्ट में जीरो शो करना आपके जरूरी नहीं है. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 6 आपका नहीं हो सकता. यू विल बोरो फ्रॉम 7. 15 माइनस 6 इज 9. इट विल बी 6. ये 6 हो जाएगा आपका. 6 माइनस 6 इज 0. 1 माइनस 1 इज 0. नाउ आपके पास क्या आ रहा है? अब आपके पास यहाँ पे 9 आ रहा है. 9 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 83. सो यू विल कॉपी द नेक्स्ट डिजिट विच इज 5. Now it becomes 95. क्या बन गया ये आपका? 95. 83 वन्स आप क्या ले लेंगे आप? 83. 83 टूज़ हैं, हम नहीं ले सकते. 5 माइनस 3 इज 2. 9 माइनस 8 इज 1. अब आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है? 12. सो 12 83 से आपका डिवाइड नहीं हो सकता. नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर लें. नेक्स्ट डिजिट क्या है आपका? 6 है नेक्स्ट डिजिट. ठीक है. नाउ 83 वन्स 83. 83 टूज़ क्या है आपके पास? 166. तो 83 टूज़ तो नहीं ले सकते. 166 126 से बड़ा हो जाएगा. So you will take 83 ones are 83. 6 minus 3 is 3 and 12 minus 8 is 4. So your mixed fraction will be 211 is your whole, 43 is your remainder and 83 is your divisor. It is your answer. Now move towards question number 4 of lesson number 2. Lesson number 2 is dividing by a 2-digit number. Question number 4 is answer these
Now what is part A? Part A is divide 4892 by 45. 45 से डिवाइड करवाना है आपको, ठीक है? 45 का टेबल रीड करेंगे. 45 वन जा 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको. 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 4 क्रॉस 3 नहीं आ सकता आपका. नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर लें, 9 आपने ऊपर से कॉपी किया, ठीक है, 39 हो गया. लेकिन 39 भी 45 से स्मॉलेस्ट है, तो आपको एक और डिजिट ऊपर से कॉपी करना है. सो यू विल टेक द परमिशन टू कॉपी द नेक्स्ट डिजिट बाय अप्लाइंग 0 इन द आंसर. 0 आप आंसर में अप्लाई करेंगे तो आप नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर सकते हैं. इट बिकम्स 392. अब आपको 45 का टेबल इतना रीड करना है कि 392 आ जाए, या तो या फिर उससे स्मॉलेस्ट आपको कोई नंबर मिल जाए. सो यू विल चेक 45 5 45 6 45 7, इस तरह से आप चेक करते जाएंगे. तो आपको 45 8 जा मिलेगा, 8 5 40 का 0, 4 कैरी, 8 4 32 एंड 4 36, 360 मिलेगा आपको 45 का टेबल 8 तक रीड करने पर. 45 8 3 160. जब आप 45 का टेबल 9 तक रीड करेंगे तो आपको 392 से बड़ा नंबर मिल रहा होगा, ठीक है? तो आप 8 तक टेबल रीड करेंगे. 2 माइनस 0 इज 2, 9 माइनस 6 इज 3 एंड 3 माइनस 3 इज क्रॉस. सो द रिमाइंडर इज 32. Your mixed fraction will be 108 is your whole, 32 is your remainder and 45 is your divisor. That will be your answer. Now move towards question number 5. What problem? Question number 5 में A part जो आपका वो तो बहुत simple है. A factory made 4,664 फुटबॉल शर्ट्स. एक फैक्ट्री ने फुटबॉल शर्ट्स बनाए, आपको बताया हुआ 4,664. अ टीम सेट हैज 11 शर्ट. एक टीम के अंदर कितनी शर्ट्स हैं? 11 शर्ट्स हैं. हाउ मेनी कंप्लीट टीम सेट्स वर मेड? कितने कंप्लीट टीम सेट्स आपके बनेंगे? तो इसमें आप सिंपली 11 से डिवाइड कर लेंगे इस वर्ड प्रॉब्लम में. नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी. 3,402 फुटबॉल फैंस हायर बसेस टू ट्रेवल टू एन अवे मैच. इतने फुटबॉल फैंस हैं आपके पास, 3,402 फुटबॉल फैंस हैं जिन्होंने बसेस हायर करी हैं टू ट्रैवल एन अवे मैच. एक अवे मैच यानी कि एक दूर कोई मैच हो रहा है, उसको फुटबॉल के फैंस हैं तो वो मैच देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बसेस हायर करी हैं वहाँ जाने के लिए. ईच बस होल्ड 54 पैसेंजर. एक बस के अंदर कितने पैसेंजर आ सकते हैं? 54 पैसेंजर्स होल्ड कर सकती है वो बस. हाउ मैनी बसेस विल बी नीडेड टू टेक ऑल द फैंस? जितने सारे फैंस हैं, जो सारे फैंस आपके 3,402, उनको ले जाने के लिए कितनी बसेस की नीड होगी? सही है, एक बस में बता दिया कितने पैसेंजर आ सकते हैं. आपको टोटल बसेस मालूम करनी है, कितनी बसेस चाहिए होंगी. सो यू विल मेक द डेटा. फुटबॉल फैंस, सबसे पहले आपके पास फुटबॉल फैंस कितने हैं? फुटबॉल फैंस है आपके पास 3,402. ईच बस होल्ड, ईच बस के अंदर कितने फैन आ सकते हैं आपके? ईच बस होल्ड 54 पैसेंजर्स. 54 पैसेंजर्स आ सकते हैं आपके एक बस में. नाउ टोटल बसेस आपको फाइंड आउट करनी है, कितनी बसेस चाहिए होंगी. सो यू विल डिवाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी इज. इन पार्ट बी फुटबॉल फैंस कितने आपके? 3,402 फुटबॉल. ईच बस होल्ड्स 54 पैसेंजर. टोटल बसेस जो है आपको फाइंड आउट करनी है. तो 54 से डिवाइड करेंगे. सो यू विल रीड द टेबल ऑफ 54. 54 6 जा 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 2 32. तो 54 6 जा आपका आ रहा है 324. सब्ट्रैक्टेड इट बिकम्स 3 एंड इट बिकम्स 10. 10 माइनस 4 इज 6, 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 3 इज क्रॉस. नाउ 16 है, सो यू विल कॉपी द नेक्स्ट डिजिट 2. नाउ यू विल रीड द टेबल ऑफ 54 अप टू 3. 3 4 जै 12 का 2, 1 कैरी, 3 5 जै 15 एंड 1 16. 54 3 जै आपका क्या होता है? 162. सो यू विल राइट 54 3 जै 162. इट इज कंप्लीटेड है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया. आंसर क्या आ रहा है आपका? 63. सो यू विल राइट द आंसर. 63 बसेस विल बी नीडेड. कितनी बसेस की आपको नीड होगी? 63 बसेस की नीड होगी टू टेक ऑल द फैंस. सारे फैंस आपको कैरी करने के लिए कितनी बस की नीड होगी? 63 बसेस की नीड होगी. इन लेसन नंबर 2 यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए एंड बी एंड क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए एंड बी फ्रॉम योर कॉन्टेंट सॉल्यूशन. नाउ नोट डाउन द
Diary. Now, note down your diary. Memorize table of 8 and 9. 8 and 9 का table आपको memorize करना है. And solve these for practice. ये practice के लिए आपने ये part solve करने हैं. Part A and part B. 5067 divided by 7 and 45507 divided by 5. ये दो parts आपको practice करने हैं. ये आपके content solution में नहीं है. और इसके अलावा आपने unit number 6 का जितना भी work है वो contents आपने complete करना है. I hope you have got everything. If you have any doubts, any problems, so watch this video again and again. Till then, Allah Hafiz.